क्या मेरे मौला मेरी दीदा को इस बात में बढ़ा दे ऐ जे मेरे को दी बिस्ती में खिरी जांदी आंटी आंटी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी मुझे माफ कर दीजिए मुझे बिल्कुल भी फजीलत आप ही की इस मेंटल कंडीशन का अंदाजा नहीं था मेंटल ही कह दिया नहीं मेरा वो मतलब बिल्कुल भी नहीं था आंटी आई एम सो सॉरी मैं बस ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर उन्हें कोई मसला है तो वो ट्रीट हो सकता है मैं अपनी फैमिली में एक साइकियाट्रिस्ट को जानती हूँ बहुत अच्छे हैं पागल खाने जमा कराने का भी प्लान है तुम्हारा मेरी बात मैं नहीं सुननी तेरी गल अपनी रान दी सुन कहंदी है तेरी भैन नु पागल खाने जमा कराना है नवा प्लान ही अदा मुराद मैं साइकियाट्रिस्ट की बात कर रही थी दैट्स इट यू अंडरस्टैंड ना यार अभी तुम ऊपर जाओ यार मैं कह रहा हूं ना तुम ऊपर जाओ तुम मुझ पर क्यों चीख रहे हो मैंने कोई गलत बात नहीं की है यू नीड अ साइकियाट्रिस्ट टू सब पागल सॉरी रात मैंने वाकई आप ही को पागल नहीं कहा था जानता हूं आज सुबह जब निकी ने मुझे तुम्हारी सिचुएशन के बारे में समझाया मैंने जेन्युइनली डिसीजन ले लिया कि अब मैं तुम्हारे रिश्तों को तुम्हारी मजबूरियों को अपना कर तुम्हारा बोझ बांटूंगी लेकिन मन्नत मेरी बहने मुझ पर बोझ नहीं है यार अच्छा अच्छा तुम परेशान ना हो डोंट वरी हम कुछ करते हैं इस बारे में हाँ हाँ वी विल फिगर इट आउट ओके ओके खुदा हाफिज मन्नत का फोन था सब ठीक है सब ठीक हो ही ना जाए शरीफ लड़का देखकर रिश्ते के लिए हाँ की थी लड़का इस हद तक शरीफ होगा ये नहीं पता था अब क्या हो गया बात सुनो अगर मुराद ने मन्नत को फिर परेशान किया ना तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे उस बेचारे ने क्या करना है उसके बस में ही कुछ नहीं है फिर क्या हुआ
कुछ नहीं, मन्नत को हनीमून पे ले जाने से इनकार करती। वो क्यों? बजट प्रॉब्लम्स, फैमिली प्रॉब्लम्स। कोई बहनोई ने उधार वापस करना था, वो किया नहीं। छोटी बहन साथ रहने आ गई है, उसका मियाँ शहर से बाहर कहीं नौकरी पे चला गया, उसका खर्चा भी मुराद के सर पे। खैर, ये हनीमून वगैरह के प्लान तो लोग सलामी से कर लेते हैं। कौन सी सलामी? मन्नत बता रही थी सारी सलामी तो बहनोई की जमानत पर लग गई है। किस मुश्किल में फंसा दिया हमने मन्नत को। ला जाने भाई। नाराज हो अभी तक? नाराज तो वैसे मुझे नहीं होना चाहिए। तुम्हें नाराज होना चाहिए। Really? तो कल जब तुम्हारी अम्मी को मैंने एक्सप्लेन करना चाहा कि मेरी कोई गलती नहीं है, तो वो मुझ पर चीखने लगी और तुम पास खड़े थे, सुन रहे थे खामोशी से। फिर तुम्हें एक्सप्लेन किया तो तुम भी चीखने लग गए। अच्छा बाबा प्लीज, अब दोबारा लड़ाई ना शुरू कर देना। ऑफिस से पहले लेट हो गया हूँ। अच्छा आप नीचे का चक्कर लगा लेना, कमरे में बंद ना रहना। ना प्लीज, अम्मी से बहस ना करना यार। मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे सामने, थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर लो मन्नत प्लीज। मुराद, मैं जब कल नीचे गई थी ना, तो वो मेरी तरफ से कोशिश थी एडजस्ट करने की, कॉम्प्रोमाइज करने की, और वो तुमने देख लिया कि उसका नतीजा क्या था, कितना बड़ा तमाशा लगा था। अच्छा यार एक बार और मेरे लिए प्लीज। रिलेशनशिप ना वन साइडेड नहीं होता है, मियाँ बीवी दोनों को कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, इसमें एक दूसरे का ख्याल रखना पड़ता है। हर चीज अब तुम मुझसे ही तो नहीं एक्सपेक्ट करो ना। ये मन्नत ऐसा नहीं है, अब तुम्हें नहीं ना पता कि मैं किन परेशानियों से गुजर रहा हूँ। हाँ तो फिर ठीक है, अपने अंदर हिम्मत पैदा करो गलत को गलत और सही को सही कहने की। अगर तुम्हारी फैमिली कहीं गलत है ना, तो उन्हें बताओ कि वो गलत है। अगर मैं कहीं गलत हूँ तो मुझे डांटो, लेकिन तुम तो चाहते हो कि सारी कॉम्प्रोमाइजेस बीवी करे। जब मेरे मतलब आ गई है ना कॉल ऑफिस। हेलो, हाँ हाँ अतर आ रहा हूँ यार, निकल रहा हूँ। ओके। अच्छा परेशान ना होना यार, अपना ख्याल रखना, चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। सब ठीक ठाक है फूफो जी, पर सारी मुसीबतें ना हमारी ही किस्मत में लिखी हुई है। न जाने किस बदबख्त की नजर लग गई है हमारी खुशियों को।
की होया बोलगी नहीं, मेरा सा बंद हो जाना है। अम्मी मालिक मकान ने घर से बाहर निकाल दिया, इतना बड़ा ताला लगाया घर के बाहर, बेघर हो गए हम तो। क्या मतलब है घर से ही निकाल दिया है, कैसे हो सकता है? ये मुराद मेरा जाता तो है वक्त पर, हर महीने का किराया देकर आता है। किराए का ही तो मसला है फूफो जी, जितने पैसे मुराद उसे देता था ना, अब उसे उतने नहीं चाहिए। मालिक मकान किराया बढ़ाने को कह रहा है, पूरे 25,000। हाँ हाँ, तो घर ही छोड़ दिया है तुम लोगों ने, है जरा इंतजार तो करते, मुराद जाता जाके बात करके आता। नहीं 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 फूफो जी, दे देते हम। नहीं फूफो जी, ये पहले की बात और थी, जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं मुराद की, ऐसे वक्त में हम उसे मजीद परेशान नहीं करना चाहते। फूफो जी वक्त ही तो गुजारना है, यहाँ बैठ के आपके कदमों में ही गुजार लेंगे। और फिर कुछ अरसे में मैं अपना इंतजाम कर लूं, अपने ही मकान ले लूंगा। मैंने तो इससे कहा भी था, मना किया था यहाँ आने को, कहा था चल कुछ अरसे के लिए गांव रह आते हैं, मगर नहीं। मैं क्यों जाती गांव? अम्मी बताएं इसे, मेरा बाप जैसा भाई जिंदा है, मेरी माँ जिंदा है, तुम्हारी तरह यतीम मस्कीन नहीं हूँ मैं। और तेरी ज्यादा जबान नहीं चल रही है, यतीम मस्कीन हूँ, वो मेरा कोई कसूर नहीं है इस सब में, तेरे भाई का मुराद। चुप कर जा, जीउंदा रहे ओदा भाई, लड़ी जान गए हो तुसी, अब आ गए हो तो फिर इसी घर में रहना है क्या, और कहाँ जाना है, रहो। देख ले फूफो जी, कहीं आपकी बहू को कोई एतराज ना हो जाए। क्यों, उसके बाप का घर है, जो उसको एतराज होगा एतराज होगा, तो जाए फिर अपने बाप के घर जा कर रहे। मैं अब अपनी औलाद को दर बदर तो नहीं कर सकती उसके पीछे लग के। क्या हाल है पिंकी, आ गई हो फिर है? और जल्दी से कमरा देख ले कौन सा लेना है। क्या अभी तक ठीक नहीं हुई भैया की तबीयत? हाँ तुम्हें देखकर तुम्हें मिलकर तभी उनकी तबीयत ठीक होगी ना। मैंने मुराद को फोन कर दिया, उसे बोला तुम्हें लेकर यहाँ आ जाए, खाना हम लोग साथ में खाएंगे। चलो ठीक है, भैया का ख्याल रखिएगा प्लीज भाभी। चलो ठीक है फिर मिलते हैं। अच्छा सुनो, तुम लोगों के लिए एक सरप्राइज भी है। क्या सरप्राइज है? कहा ना सरप्राइज है, जब आओगी तभी पता चलेगा। ओके अल्लाह हाफिज, बाय। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह बड़ी रौनकें लगी हुई हैं। और ये रौनकें तो अब रोज लगेंगी। आजा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, क्यों नहीं। मुराद भाई पी चाय? अब नहीं, मैं आके पीऊं। अच्छा कितने चल रहे हैं? इधर आ, माँ को ला के बहो, एक ते तेरी रान सवेर दी थल्ले नहीं उतरी, ऐसा नहीं हुआ कि नीचे आ जाए और बड़ों से सलाम ही ले ले। आजा, बहन और बहनों ही आए हैं। पता लगा है कुछ बहन पे, मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़े हैं। क्या हुआ? क्या हो गया? क्या हुआ? कुछ बताए तो। इतनी देर हो गई है, कहाँ रह गया है? फोन कहाँ है मेरा? बस तो फिर फूफो जी, उस गाड़ी वाले ने मुझे कट मारा है। तो फिर तो मैंने वेस्पा उस गाड़ी वाले के पीछे ही ला दी, तो गाड़ी आगे आगे वेस्पा पीछे पीछे,
गाड़ी आगे आगे, वेस्पा पीछे पीछे, और फिर मैंने वेस्पा को दी स्पीड, अब वेस्पा आगे आगे, गाड़ी पीछे पीछे, वेस्पा आगे आगे, गाड़ी पीछे पीछे। हेलो, कहाँ हो? आ गया हूँ मैं, काफी देर हो गई है। यहीं पर हो तो मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे? नीचे बैठा हूँ यार, 2 मिनट में आ रहा हूँ। लगता है भाभी जी को पता चल गया है कि मुराद यहाँ हमारे साथ बैठा हुआ है। लो बेटा मुराद, आज तुम्हारी खैर नहीं है। वैसे भी ये शहर वाली लड़कियां ना शौहर की माँ बहन के पास बैठने की गुस्ताखी को ना कभी नहीं बख्शती। मन्नत ऐसी नहीं है। अब मैं मन्नत को सर। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। आ गए थे तो बता ही देते, मैं कब से इंतजार कर रही थी। मैं बताने ही वाला था। खैर से कहीं जा रही हो? जी मैं नहीं, हम दोनों जा रहे हैं। हम लोग एक डिनर पर इनवाइटेड हैं। कहाँ? ऑफिशियल डिनर है, ऑफिस वालों ने रखा है हमारी शादी की खुशी में। बताया ही नहीं तुमने, इसमें आदित्य लिए अरबी गोश्त पकाया सी, घर में मेहमान भी आए हुए हैं तो। खैर अब क्या हो सकता है, जाओ। ओ फूफा जी, हम कोई मेहमान थोड़े ही हैं, हम तो अब यही हैं। कि हम इनसे कल मिल लेंगे, नहीं तो परसों मिल लेंगे, नहीं तो तरसों मिल लेंगे। अरबी गोश्त भी खाएंगे फूफा जी, और बैंगन गोश्त भी, और अपनी प्यारी सी भाभी के हाथ के बने हुए मजे मजे के खाने भी खाएंगे। भाभी जी आप ना यकीनन यही सोच रही होंगी कि मैं आज आपसे पहली बारी मिल रहा हूँ, पहली बारी, और फिर मैं ऐसे ऐसे अपनी मर्जी से फरमाइशें भी कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है मैं आपसे पहले भी कहीं मिल चुकी हूँ। नहीं 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 नहीं, ऐसा तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं तो शादी में आया ही नहीं था, वो एक छोटा सा मिसहैप हो गया था जी मेरे। इसी वजह से नहीं आ सकता। मुराद आई थिंक वी आर लेट, चलें। मैं चलता हूँ, आता हूँ सर। देख लिया फूफो जी कैसे 2 मिनट में उठा के ले गई, और वो भी बीवी के पीछे पीछे। फरमा बरदार औलाद। झूठ क्यों बोला? बड़े भैया के घर जाने पर पाबंदी लगाई है अम्मी ने। नहीं यार ऐसी बात नहीं है, देर हो रही थी ना इसलिए जल्दी उठना चाह रहा था। अब तो मैंने मजाक में भी झूठ बोलना छोड़ दिए, हाँ कभी मजबूरी में बोलना पड़ जाता। तुम और तुम्हारी मजबूरियां। बाय द वे प्यारी लग रही है आज। इधर उधर की बातें करना बंद करो, हम ऑलरेडी लेट हो गए हैं, जाओ जाकर चेंज करो। ओके। अच्छा लग रहा हूँ? हाँ चलो अब जल्दी से, लेट हो गए हैं। गाड़ी तो खोलो। रिमोट खराब है।
शुक्र है मिस कलाशन को अपने पहचाना नहीं, लेकिन चौधरी शौकत अपनी बेस्ती भूला नहीं है, बदला तो जरूर लेकर आऊंगा। हरीम, दरअसल मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। चीज मुझे पसंद नहीं आती। उस दिन मेरी मम्मी ने जो कुछ भी किया। जाने दीजिए, मैं खुद भी आपका फोन इसीलिए रिसीव नहीं कर रही थी क्योंकि मैं उस तकलीफ से मौजू पे बिल्कुल बात नहीं करना चाहती थी। तुम क्या समझते थे कि मेरी मर्जी के खिलाफ जाकर तुम कोई फैसला करोगे और उसे इस घर में कबूल कर लिया जाएगा? मम्मी, मुझे आपके खिलाफ जाके कभी भी खुशी महसूस नहीं हो सकती। वो लड़की शेख खानदान का हिस्सा तो नहीं बन सकती, ये बात तो तय है। अब तो मोटी कर लो। क्या हो रहा था? आपका इंतजार। आपको पता कौन है आज? कौन है? अभी बताता हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। कौन है? सरप्राइज, हम्मत। हाय मन्नत, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कब आए? बस आज ही। इसीलिए मैंने सोचा परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है, गुड फूड एंड गॉसिप। वैसे भी काफी अरसा हो गया हम आपके लेम जोक सुने हुए। अरे आ गई हमारी बंतु। अस्सलाम वालेकुम बड़े भैया। वालेकुम अस्सलाम, कैसा लगा सरप्राइज? बहुत अच्छा। मैं इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। मुराद, ये हमाद है, सबिया के भाई जो लंदन में होते हैं। और हमाद, चौधरी मुराद, मन्नत के हस्बैंड, हमारे बहनोई। नाइस टू मीट यू मैम, कैसे हो आप सब लोग? यहाँ पे खाना ठंडा हो रहा है और मुझे बहुत भूख लग रही है, प्लीज आ जाएं। हाँ हाँ, चलो भाई। हाँ भाई, हमारा जॉब कैसी जा रही है तुम्हारी? बहुत अच्छी, बल्कि साहब मुझे दो दफा प्रमोशन मिली है। वाओ ग्रेट, सो यू प्रूव्ड योर मेटल इन यूके टू? अरे ये कबाब लो ना, तुम्हारे लिए बनवाया खास। यार तुम अकेले ही आ गए, अपनी बीवी को नहीं लाए साथ में? हाँ भैया, आपको शायद पता नहीं चला, हमाद की डिवोर्स हो गई है। इतनी जल्दी? सॉरी, मेरा मतलब कब, कैसे? इट्स ओके, नहीं बनी तो खत्म हो गई। वैसे भी आई डोंट थिंक मी एंड समिया वर मेड फॉर ईच अदर। सीधे मैं कहता हूँ, ये नुकसान होता है जल्दी में किए गए फैसलों का। आज शादी हुई, दो दिन में ही पता लग जाता कि एक दूसरे के लिए बने ही नहीं। वो ऐसे रिश्तों को घसीट के चलाने से बेहतर है कि भैया खाना खा ले, ठंडा हो रहा है। क्या बात है मुराद, जब से आए तुम खांस रहे हो, तबीयत तो ठीक है ना? गला खराब हो गया इसलिए खामोश बैठा तब से। वैसे मुराद साहब काफी रिजर्व लगते हैं। इन दोनों का कपल बिल्कुल ठीक है, ये सारा दिन बोलती होगी और ये पेशेंस से सुनते होंगे। वैसे आप करते क्या हैं मुराद साहब? मैं वो
मुझे बताएं क्या जरूरत थी ये हनीमून पैकेज गिफ्ट करने की? क्या मतलब है भाई? सी योर वेडिंग प्रेजेंट। और मुझे एक बात बताओ, जब हमने ट्रक भर के जहेज का सामान भेजा था तब तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी? पता नहीं, आजकल तो वजह के बगैर भी हर वक्त मुंह बना रहता है उसका। आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? बाहर मुराद इंतजार कर रहा है। यार आदिल समझाओ ना इसे, कह रही है हमें हनीमून पैकेज नहीं करवा के देना चाहिए था, मुराद को अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा नहीं लगेगा, कोई बात नहीं, कह दो बड़े भैया ने दिया है, कोई मसला है उनसे बात कर ले, भी अच्छा लगने लगेगा। भैया अच्छा अच्छा नहीं, थैंक यू सो मच, थैंक यू, इट इज द स्वीटेस्ट गिफ्ट, थैंक यू सो मच। आज इंटरनेशनल नहीं बात ही, उसको बुरी ना लग जाए। स्पीड इतनी क्यों तेज कर रहे हो? अम्मी की डांट का डर है? मेरी अम्मी की ना जान छोड़ दो, हर वक्त उनके पीछे पड़ी रहती हो तुम, अपने घर वाले नजर नहीं आते, और अपने बड़े भैया की हरकतें देखी थी, कैसे इग्नोर कर रहे थे मुझे, इस मेहमान के आगे खाने पेश कर रहे थे और मुझे ताने मार रहे थे। तो तुम्हारे घर में भी तो मेरे साथ यही होता है ना, अब तुम्हारे साथ हो रहा है तो तुम्हें बुरा लग रहा है? तो तुम तो बड़े दावे कर दी थी कि तुम्हारे बड़े भैया तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तो तुम्हारे शौहर को ये इज्जत दे रहे हो, इसे तुम मोहब्बत कहती हो? मेरे घर वाले मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं इसके लिए मुझे किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। और तुम्हारे साथ सब लोग नॉर्मल थे वहां पर सिवाय बड़े भैया के, और बड़े भैया का मिजाज ही ऐसा है, ये बात मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अगर हमारा ख्याल ना होता, प्यार ना होता, तो हमें हनीमून पैकेज नहीं गिफ्ट करते। हनीमून पैकेज? कौन सा हनीमून पैकेज? मैं तुम्हें घर पे चल के सारी डिटेल बताऊंगी, फिलहाल गाड़ी आहिस्ता चलाओ, तुम्हारे पागलपन का शिकार होने का मुझे कोई शौक नहीं है। वो तो मुराद बहुत अच्छा लगा, और वो दोनों एक दूसरे को बहुत कॉम्प्लीमेंट करते हैं, है ना? या इज थोड़ा इंट्रोवर्ट सा है, चुप चुप रहता है। अरे नहीं, बहुत बातें करता है। तो नहीं, आज क्यों चुप चुप था? मुराद की चुप रहने की वजह बड़े भैया हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, वो मुराद को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। ख्वाबों में देते होंगे, मुराद से ज्यादा तो आज अटेंशन हम आपको दे रहे थे, एंड इसका रिश्ता तो उन्होंने ही रिजेक्ट किया था, और आज बेस्ट फ्रेंड बन गए। तुम कहां की बात कहां ले गए हो वैसे? हमाद का रिश्ता उन्होंने इसलिए रिजेक्ट नहीं किया था कि ये उन्हें पसंद नहीं, इसलिए किया था क्योंकि ये बाहर रहता है और वो मन्नत को अपने से दूर नहीं भेजना चाहते थे, और अटेंशन इसको इसलिए मिल रही थी क्योंकि बहुत अरसे के बाद आया। बोंगिया ना मारो। ओहो, इतनी सारी एक्सप्लेनेशन, तो बेचारे ने छोटी सी तो बात की है। एनीवे, मेरी दुआ ये है कि मन्नत मुराद हमेशा खुश रहे, दे लुक रियली गुड टुगेदर। आमीन। अच्छा ये बताओ तुम्हारा क्या प्लान है कल का? अब बताओ ये हनीमून वाली क्या कहानी है? वही जो तुम सुनना नहीं चाह रहे। मेरी फैमिली सिर्फ ये चाहती है कि हम किसी भी न्यूली वेड की तरह कहीं बाहर जाएं घूमने, क्योंकि तुम्हारे पास हमारे हनीमून के पैसे जो नहीं बचे। तो ये बात तुमने उनको बताई होगी ना कि मेरे पास हनीमून के लिए पैसे नहीं? तो मैंने झूठ तो नहीं बोला ना? तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारे घर वालों से भीख मांगकर तुम्हें हनीमून पर ले जाऊं। पहले तुम्हारे बड़े भाई के मुझे केपेबल नहीं समझते, तो अब मैं उनका गिफ्ट एक्सेप्ट कर लूं और पूरी जिंदगी मुफलिस होने का ठप्पा लगवा लूं। भाई वाह। मुराद तुम इतनी सी बात पर ओवर रिएक्ट कर रहे हो, तुम्हारे दिमाग में कुछ है, तुम्हारा गुस्सा कहीं और है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम छोटी सी बात का कितना बड़ा इशू बना रहे हो। मन्नत तुमने जो समझना ना समझो, लेकिन एक बात तय है, मैं तुम्हारे घर वालों की ये मेहरबानी कबूल नहीं करूंगा। That's it. भैया आप अभी तक सोए नहीं, तबीयत ठीक है आपकी?
तबीयत तो ठीक है लेकिन दिल पे बोझ है अजीब सा। पछतावा हो रहा है मात को देखकर। किस बात का पछतावा? इतना अच्छा रिश्ता था, पता नहीं हमारी अक्ल घास चरने चली गई थी जो इनकार कर दिया हमने। भैया अब वक्त नहीं है ये बातें सोचने का, जो होना था सो हो गया, अब तो दोनों की शादी हो चुकी है। लेकिन हमारी की शादी तो खत्म हो गई। तो देखो आदिल, उन दोनों का साथ नहीं लिखा हुआ था तो हमें ऐसा लगता है कि। क्या लग रहा है आपको भैया? आपको जो भी लग रहा है बहुत नामुनासिब है। मन्नत और मुराद का रिश्ता बेजोड़ है यार, कहां हमारी मन्नत और कहां वो नामुराद। जैसा भी है वो मन्नत की पसंद है। ताई घटिया पसंद है। आपकी पसंद था तो ठीक था, मन्नत की पसंद है तो हजारों कीड़े निकाल रहे हैं आप उसकी शख्सियत में। भाई कीड़े तो पहले ही पड़े हुए थे, हमें भी नहीं दिखे और मन्नत की आंखों पे भी पट्टी बंधी हुई थी, क्या कह सकते हैं। आपने हाँ की थी भैया, क्या सोच के की थी? यही कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहने वाला दबी हुई तबीयत का एक लड़का है जिसे आप अपने रोब में रखेंगे, मन्नत के आगे कुछ बोल नहीं सकेगा, जब चाहे यहां आएगी, जितना चाहे यहां रहेगी, डंके की चोट पे, क्योंकि लड़के वाले हमारे हम पल्ला ही नहीं तो आगे से कुछ कह ही नहीं सकेंगे। क्या नतीजा हुआ उसका? और अब हमाद के आ जाने के बाद आपको मुराद की जात में खामियां नजर आ रही है। हद होती है भैया। वैसे अच्छा ही किया तुम दोनों ने जो यहाँ पे रहने के लिए आ गए हो। अगली को पता चलना चाहिए है कि इस घर पे और मुराद की कमाई पे तुम सारी बहनों का एक जैसा हक है। वैसे फूफो जी, आपने ना बहुत सर चढ़ा रखा है अपने बेटे और बहू को, जब देखो मुंह उठा के दाव तो भी टूट जाते, वो भी आपकी इजाजत के बगैर। अल्लाह बख्शे अम्मी जी जिंदा होती ना तो इस जनमुरीदी पे चप्पलें उतार के वो चित्रोल करनी थी कि पता लग जाना। ऐसा जनमुरीद भी नहीं है वैसे, परसों तरसों ऊंची ऊंची आवाज में डांट रहा था उसको, फिर उसको छठी का दूध याद कराने के लिए नीचे आ गया, मेरे पास सोया है। हाँ, और हाथों में हाथ डाल के बाहर भी चला गया। अभी आप ना इनके दूध घर पे मत जाया करें, इनकी लड़ाई में भी बड़ा प्यार है। वो प्यार नहीं, इश्क कहो बेगम, तूफानी इश्क, वो मोहब्बत की शादी है। कुछ पता नहीं भाभी जी ने खुद कमरे से बाहर निकाल दिया। वो ऐसी हैं भाभी जी, हद छुट किस्म की। आ गई। वालेकुम। बहू साहबा, अभी भी ऊपर से आने की क्या जरूरत थी? अभी तो खैर से सिर्फ 11:30 हुए हैं। पूरी रात में सो ही कहां सकी हूं, सुबह जो आंख लगी तो बच्चों के शोर से ही खुल गई। चाय बनाना तो हमारे लिए भी बना देना। जरा सा कोई काम कह दो तो बहू रानी का बूथा सोज के इतना बड़ा हो जाता है। वैसे भी कोई काम करना आता होगा तो करेगी ना खुशी से। आपको शायद पता नहीं चला, आमाद की डिवोर्स हो गई है। Thank you.
भाभी जी वो मैं वो क्या बात है? छुरी तो पीछे करें पहले। मैं ये कहने आया, बल्कि दरखास्त करने आया था कि मेरी चाय में ना दूध और चीनी थोड़ा ज्यादा रखिएगा। कड़वी चाय नहीं पी जाती मुझसे। मेरे हाथों के साथ कोई मसला है, बनती ही चाय कड़वी है इनसे। ठीक है फिर, ये कोड़ी चाय पी लेंगे। नहीं, मेरा मतलब है कड़वी चाय पी लेंगे। शर्म नहीं आई तुझे मन्नत में गुस्सा करते हुए? तब नहीं आ रही, बाकी सोच सोच के शर्म आ रही है। अपनी सोच मैं वो जब बात का इशू बना दूं, या मुझे ना हमाद पे खार चढ़ी। मुझे लग रहा था कि मन्नत के बड़े भैया मुझे और हमाद को कंपेयर कर, इसलिए हम दोनों को एक ही टेंपर बोला। तो तूने ही तो बताया था कि मन्नत की भाभी का भाई है हमाद, तो वो उनके घर नहीं आ सकता। ये दरअसल बात यह है कि हमारी शादी से पहले हमाद का रिश्ता आया था मन्नत से। तू मन्नत का शौहर है, वो तेरी बीवी है, दोनों की पसंद की शादी हुई है, थोड़ी सी शर्म कर यार। हमाद से जेलस हो रहा? मैं क्या करूं यार, लाख कोशिश के बावजूद भी कुछ ऐसा हो जाता कि बात बिगड़ने लगती। और जब से शादी हुई है यही हो रहा है यार। अब तुम इतना सेंटीना हो, इस वक्त सबसे जरूरी काम यह है कि मन्नत को मनाना। फोन कर, कॉल मिला। बैठा है यार, पहले तो तू ऐसी हरकतें करता और फिर तू ऐसे मुंह लटका के बैठ जाता। फिर इतनी हरकतों की वजह से मन्नत और तेरे रिश्ते में इतनी दूरी आई। भाई मन्नत कोई पुराने दौर की सहमी हुई डरी हुई लड़की नहीं है, वो आज के दौर की पढ़ी लिखी और बोल्ड लड़की है। तुझे इस चीज को समझने की जरूरत है, और तेरी अम्मी और बहनों को भी। अगर वो तेरा घर बसा हुआ देखना चाहती है तो उनको ये साजिशें छोड़नी पड़ेंगी। और अपने काम से काम रखे यार, वो यार ये मुझसे नहीं और ना ही मैंने कहना। जी जी मुझे पता है आपसे ये नहीं होना। अब मन्नत से माफी तो मांग सकते हैं ना? माफी मांग लें।